हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर फ्लो को। ग्राउंड वाटर फ्लो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर फ्लो के नोन होने के बाद ही हम लोग एक बेस्ट एक्वीफर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एक्सप्लोइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर फ्लो कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए भी हम लोग ग्राउंड वाटर फ्लो को मेजर करते हैं, और ग्राउंड वाटर फ्लो से ही हम लोग ग्राउंड वाटर प्रोविनेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो को। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि मास इनफ्लो रेट, कितना हमारा जो वाटर है वो इनफ्लो कर रहा है और उसकी वजह से कितना आउटफ्लो हो रहा है। प्लस, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% जो है हमारा वाटर जो है वो इनफ्लो करे 100% और उसमें 100% ही आउटफ्लो कर जाए। कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो ऐसी होगी जो कि आपके रिचार्ज में जाएगी, जो कि स्टोरेज को बढ़ाएगी। तो इसलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में मास इनफ्लो रेट इजकल टू मास आउटफ्लो रेट प्लस चेंज ऑफ मास स्टोरेज विद टाइम। ओके, सो ये इक्वेशन आपकी कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, अब ग्राउंड वाटर फ्लो को बेसिकली हमारा पांच प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसमें से फर्स्ट है स्पेसिफिक वेट, देन डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड कंप्रेसिबिलिटी। स्पेसिफिक वेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेट क्या है? वो एक सब्सटेंस है जिसको हम पर यूनिट वॉल्यूम एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, मीन डेफिनेट टेम्परेचर का मतलब है कि हमारा टेम्परेचर नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेरिएशन आ रहा है। तो टेम्परेचर हमारा डेफिनेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा जो वाटर है, वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है उसको हम बोलते हैं 1 ग्राम पर सीसी। ओके, देन डेंसिटी एज वी नो बाई इंजीनियरिंग जियोलॉजी ऑल्सो, डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इजकल टू गामा अपॉन जी, तो स्पेसिफिक वेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 0.99 ग्राम पर सीसी, या फिर हम इसको 1 भी ले लेते हैं डायरेक्टली। तो याद रखिएगा, ये प्योर वाटर का डेंसिटी है। अगर आप सलाइन वाटर की बात करते हैं तो डेंसिटी यहाँ से चेंज हो जाएगा, डेंसिटी हायर डेंसिटी हो जाएगा हमारा सलाइन वाटर के केस में। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्योर वाटर का ही डेंसिटी 1 माना जाता है, या फिर 0.999 ग्राम पर सीसी। ओके, देन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस पावर है किसी भी लिक्विड की। ओके, किसी भी लिक्विड की रेजिस्टेंस पावर है, जब वो फ्लो करता है तो रजिस्ट करता है, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और इसको बाय फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाउ इजकल टू म्यू डीवी अपॉन डीएस। हियर टाउ इज शियर स्ट्रेस, म्यू इज विस्कोसिटी एंड वी इज वेलोसिटी। एस क्या है? डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और dv/dS वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी इज इक्वल टू म्यू अपॉन पी से भी। ओके, देन कंप्रेसिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/v dv/dp। वी वॉल्यूम है और पी प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है ना। सो अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या करती है? वो डिक्रीज करती है, और विस्कोसिटी भी डिक्रीज करती है। याद रखिएगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम लोग क्या करें, हनी को अगर हम लोग टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, उसको हम गर्म करना शुरू कर दें, तो हनी की जो विस्कोसिटी है वो पतला होना शुरू हो जाएगा, जो लिक्विड है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? वो उसकी विस्कोसिटी को कम कर रहा है। तो टेम्परेचर हमेशा किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को कम कर देता है, एज वेल एज डेंसिटी को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हेड डिस्ट्रीब्यूशन। हेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फ्रेश वाटर के लिए हेड कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट अगर हमारा सलाइन वाटर है तो हमें सलाइन वाटर की डेंसिटी को उसमें यूज़ करना पड़ेगा, सिंपली फॉर्मूले में सलाइन वाटर की डेंसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। तो दिस इज़ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे ये एक हमारा एक्वीफर है, इस एक्वीफर में एक वेल लगाया है, ये एक आर्टिफिशियली एक वेल डिग किया गया है। तो इसका पॉइंट है ए।
तो टोटल डेप्थ जो एक्वीफर की है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच से, और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वेल इज़ ए। तो ए की जो डिस्टेंस है डेटम से हमारी, डेटम क्या है यहाँ पर, इम्परमीएबल सेल है, ये इम्परमीएबल है। ओके, तो इम्परमीएबल लेयर जो भी आएगी हमारे किसी भी एक्वीफर के नीचे वो हमारा डेटम कहलाएगा। तो डेटम से हमारे लास्ट पॉइंट ऑफ वेल की जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है जेड। सो ऊपर का ये पोर्शन क्या कहलाएगा, एच माइनस जेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, पास्कल लॉ लगाते हैं, और पास्कल लॉ क्या करता है, प्रेशर को डिटरमाइन करता है एक 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 गिवन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, ए। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी इज इक्वल टू रो जी एच माइनस जेड, या इसको मैं अगर सोल्व करके लिखूं एच माइनस जेड इज इक्वल टू रो अपॉन पी जी, ओ सॉरी पी अपॉन रो जी। ओके, देन अब हमें इस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी, ड्यू टू द प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड। सो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू एच, और एच को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर एच पूरी डेप्थ है तो एच में आपका जेड भी आएगा और एच माइनस जेड भी आएगा, तो एच माइनस जेड प्लस जेड। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से एच माइनस जेड की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और हेड हमारा फ्रेश वाटर के लिए अलग होगा और सॉल्ट वाटर के लिए अलग से डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के वाटर के लिए। ठीक है ना, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम रहेगा किस डायरेक्शन में, फ्लो लाइंस की डायरेक्शन में हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपका मैक्सिमम रहेगा। देन इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें कि हम लोग ग्राउंड वाटर फ्लो को डिफरेंट चार पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो ये चार पार्ट्स क्या हैं, ये क्या किया, 1963 में ये क्लासिफिकेशन दी गई, इनके बेस पे डिफरेंट फ्लो को चार चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है डाउनवर्ड फ्लो। तो डाउनवर्ड फ्लो वो फ्लो कहलाता है जब वाटर आपका ग्राउंड वाटर आपका वाटर टेबल से दूर चला जाता है, अवे अवे चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड फ्लो। आउटवर्ड फ्लो सेकेंड टाइप, आउटवर्ड फ्लो तब कहेंगे जब ग्राउंड वाटर आपका वाटर टेबल की तरफ, टूवर्ड्स वाटर टेबल फ्लो करता है। ठीक है, देन थर्ड वन कहलाता है हमारा लोकल फ्लो सिस्टम। लोकल फ्लो सिस्टम में क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो आपका टोपोग्राफिक हाई पे रहता है और अपवर्ड फ्लो टोपोग्राफिक लो के ऊपर रहता है। फोर्थ पार्ट है हमारा रीजनल फ्लो। तो रीजनल फ्लो बेसिकली क्या कहलाता है, पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो रीजनल को हम डिपेंड करते हैं 1:50,000 के ऊपर। ठीक है ना, तो वो मैप या वो एरिया जो 1:50,000 के ऊपर मैप किया गया है रीजनल मैप में आता है और रीजनल फ्लो भी कहलाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो क्या करता है, मेन वाटर डिवाइड एरिया में रहता है, और अपवर्ड फ्लो क्या रहता है, बॉटम ऑफ ड्रेनेज रहता है। तो ये चार तरह के जो ड्रेनेज हैं ये बेसिकली हमारे जो है स्पेशल टाइप है, और 1963 में बेसिकली इसको क्लासिफाइड किया गया। तो अब आप कह सकते हैं कि लोकल फ्लो सिस्टम क्या है। तो लोकल फ्लो सिस्टम बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे फ्लूवल ड्रेनेज सिस्टम है जैसे कि यमुना रिवर, गंगा रिवर, तो इनके एरियाज में हमें क्या मिलेगा, लोकल फ्लो सिस्टम मिलेगा। जब हमारा फ्लडिंग होता है तब ये यूज़ होता है। ओके, देन लैमिनर फ्लो, और इसके अलावा भी कुछ हमारे फ्लो होते हैं जैसे कि लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनर फ्लो वो फ्लो कहलाता है जिसमें कि आपका फ्लो होमोजीनस रहे, या जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्वीफर आपका आइसोट्रॉपिक हो, उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल ना हो, उनकी सिमेट्री एक जैसी हो, ठीक है ना, उनकी आपका शॉर्टनिंग एक जैसा हो, तो वहाँ पर हमें लैमिनर फ्लो मिलता है। और जब इस लैमिनर फ्लो को हम लोग परमेबिलिटी में मेजर करते हैं तो परमेबिलिटी की हर एक वैल्यू लगभग इक्वल आती है। तो इसमें जो ल्यूजन वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं परमेबिलिटी की, वो मीन वैल्यू यूज़ करते हैं, तो मीन वैल्यू इसमें यूज़ की जाती है। देन टर्बुलेंट फ्लो, जैसा कि नाम ही बता रहा है, टर्बुलेंट फ्लो उन एरियाज़ में डेवलप होता है जहाँ पर कि आपकी इनहोमोजेनिटी हो, या जिसमें पार्टिकल इरेगुलर हो, उनकी शॉर्टनिंग ठीक से ना हुआ हो, अनसॉर्टेड और सॉर्टेड एक साथ मिक्स हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपका लोवेस्ट ल्यूजन वैल्यू आपका हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, देन लेमिनर फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेमिनर फ्लो, जैसा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि लेमिनर फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, सभी पांचों की पांचों वैल्यू क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, और सभी का हम मीन वैल्यू को यूज़ करेंगे। दैट टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में हाइएस्ट ल्यूजन वैल्यू जो है, लोवेस्ट ल्यूजन वैल्यू हाइएस्ट प्रेशर के ऊपर डेवलप होती है, और इसमें ल्यूजन वैल्यू जो यूज़ करते हैं वो हाइएस्ट प्रेशर पर ही यूज़ की जाती है। ओके, देन डायलेशन, तो
इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है वो किस तरह की रॉक्स में मिलता है। तो टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली कास्ट टोपोग्राफी में मिलता है। देन डायलेशन, तो डायलेशन बेसिकली क्या है कि इसमें हाईएस्ट लुजन वैल्यू जो है वो हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर मिलती है। और इसमें हम यूज़ करते हैं जो कि आपकी लोवेस्ट प्रेशर पे मिले वो लुजन वैल्यू हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। देन फोर्थ वन इज़ द वॉश आउट। तो वॉश आउट में क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, तो लुजन वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें हाईएस्ट लुजन वैल्यू यूज़ की जाती है। देन लास्ट वन इज़ द वॉइड फिलिंग। तो वॉइड फिलिंग में क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेस्ट बढ़ता है, हमारा हम परमेबिलिटी टेस्ट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे लुजन की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो इसमें हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू जो कि लास्ट में आई है उस वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देन डार्सी लॉ की अगर हम बात करें, डार्सी लॉ भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो डार्सी लॉ क्या है, बेसिकली इट्स ए डिस्चार्ज दैट पास थ्रू टू हेड, दिस इज़ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, पास थ्रू टू हेड H1 एंड H2 थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मेजर्ड, और वी कैन से कवर्ड L डिस्टेंस। तो इसको हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू के H1 माइनस H2 अपॉन L, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो दिस H1 H2 इज़ द हेड लॉस। तो कई बार एग्जाम में क्या हैड लॉस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, देखिए हेड को निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है हमारा डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ हमारा यूज़ होता है लेमिनर फ्लो में, ये याद रखिएगा, तो लेमिनर फ्लो में यूज़ होता है। दूसरा अभी हम लोगों ने क्या बताया, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ बेसिकली आपका लेमिनर और टर्बुलेंट दोनों में यूज़ होता है। तो अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी हुई है तो आप लोग डार्सी लॉ को इस्तेमाल करेंगे, और अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नहीं दी है तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास्कल के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे वहाँ पर उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो देन नेक्स्ट वन इज़ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर बेसिकली क्या है, रेनॉल्ड नंबर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं NR इज इक्वल टू PVDM अपॉन म्यू। तो यहाँ पर रो क्या आपका डेंसिटी है, वी डार्सी वेलोसिटी है, डीएम मीन ग्रेन डायमीटर, एंड म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अंडर नॉर्मल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स क्या रहता है, रेनॉल्ड नंबर हमेशा एक के नीचे रहते हैं, और टर्बुलेंट कंडीशन में रेनॉल्ड नंबर जो है वो बेसिकली 60 to 600 तक वेरी कर जाते हैं। बट रेनॉल्ड नंबर कभी भी रेनॉल्ड नंबर आपका टर्बुलेंट और लेमिनर फ्लो की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको ये बताए कि ये टर्बुलेंट फ्लो है या फिर आपका नेचुरल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है या लेमिनर फ्लो है, तो हम रेनॉल्ड नंबर के बेस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और यहाँ पर मेरा एक ईमेल आईडी भी दिया है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए, और आई एम श्योर मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चलिए, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।